ये है हमारे साथ चीकू। हेलो चीकू, कैमरे में हाय बोल दो। हेलो बोल रहा हूँ, हाय। चलिए, ये मैं हूँ, आई होप ठीक आ रहा हूँ। आज हम जानते हैं मैगट्स रिमूवल, वूंड हीलिंग, स्किन प्रॉब्लम्स, इनके बारे में। और कोशिश करेंगे कि हम आज मेंज और स्केबीज, जो स्ट्रीट डॉग्स या पेट्स में हो जाता है, उनको भी हम कवर करें। तो मैंने किट उधर उस साइड रखी हुई है, मैं एक करके आपको आइटम्स उठा के दिखा रही हूँ। सबसे पहले तो है ये टॉपिक्योर स्प्रे, इसमें गैस नहीं होती है वे, और ये मैगट्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप वूंड हीलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। टॉपिक्योर स्प्रे, इसमें गैस नहीं होती है और ये प्योर हर्बल है, नेचुरल है। इसके अलावा और बहुत सारे स्प्रेज आते हैं, टॉपिक्योर का ही आता है, बट इसमें गैस होती है। तो आपको लगता है कि यू नो डॉग डर जाएगा, भाग जाएगा, तो पहले उसको दवाई खिला दो और फिर ये स्प्रे करो। कोशिश करो विदाउट गैस वाला, अदरवाइज विद गैस। ये थोड़ा सा एकदम से ऑन द स्पॉट मार सकता है, यू नो अगर पोटेंसी की बात की जाए और एफिकेसी की बात की जाए तो ये थोड़ा ज़्यादा बेटर है। इसकी स्मेल भी थोड़ी सी ज़्यादा हार्श है, लेकिन इसकी स्मेल क्योंकि ये हर्बल है और नेचुरल है, तो स्मेल पंजेंट नहीं है, ठीक है। ऐसी और स्प्रेज आते हैं, जैसे इंटास का डीमैग आता है, ये मेरे पास पेट मेंट का भी है। सो देयर आर सो मेनी स्प्रेज विच हेल्प यू यू नो किल मैगट्स ऑन द स्पॉट। देन आई हैव दिस नियोमाइसिन सल्फेट, इसमें एक एल्यूमिनियम वाला स्प्रे बाहर आता है, विच इज़ जैसे आपको इमिजिएटली वूंड को कवर करना हो, ब्लीडिंग आ रही हो और इसको डॉग लिक ना करे, दैट यू नीड टू मेक श्योर। तो ये उसके लिए होता है एल्यूमिनियम स्प्रे, एंड प्लीज़ मेक श्योर ये किसी की आईज़ या नोज में ना जाए, आप इसको इनहेल ना करें, नीदर यू नॉर द एनिमल, ओके, और लिक भी ना करें। अब ये टॉपिक यहाँ तो कवर नहीं करना चाहिए, बट ये दिस इज़ लाइक अगर आप उसको ऑयल लगाना चाहें, अगर स्किन प्रॉब्लम है या उसको अगर टिक्स एंड फ्लीज है, तो आप ये वाला ऑयल लगा सकते हैं। और अगर इचिंग है, मतलब ये फ्लीमैटिक प्रो ऑयल है, या फिर कोकोनट ऑयल या नीम ऑयल भी लगा सकते हैं। और अगर उसको इचिंग है तो आप ये लगाइए रैली फ्लैम स्प्रे, ये भी नेचुरल रेमेडीज़ का है। इसमें कैम्फर जैसी चीज़ें हैं, स्मेल इसकी अच्छी है, तो आप ये भी लगा सकते हैं। एंड ऑल्सो चेक फॉर टिक्स एंड फ्लीज इन योर डॉग्स, इन योर एनिमल्स। एक पतला वाला कोम्ब आता है, शो यू दैट ऑल्सो, उससे आप चेक करें। और आप हाथ से भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ये ट्वीजर्स होते हैं, सी लाइक दिस, यू हैव ट्वीजर्स, आप इनसे निकाल सकते हैं। इससे मैगट्स को भी निकाल सकते हैं, यू नो फ्रॉम वूंड। अभी आई डोंट हैव द वीडियो राइट नाउ विद मी, बट हमने जो पुराने रेसिपीज किए हैं वो मैंने इसी चैनल पे अपलोड किए हैं, वो आप देख सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अदरवाइज चैनल पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो मैं उनके लिए रखती हूँ वो है हल्दी, हल्दी का पाउडर है ये हल्दी की ड्रॉप्स, और ये हल्दी का कैप्सूल। अगर आप इसको खाने में खिला सकते हो तो कैप्सूल या ड्रॉप्स खिला दीजिए, और अगर आप उसको खिला नहीं पा रहे हैं तो आप उस पर लगा दीजिए उसके वूंड पर। तो दिस इज़ अ देसी इलाज, एंड यू नो 100% इलाज है ये काम इफेक्टिव है। अगर ये लिख भी कर लेगा ना हल्दी, तो अपन को तो फ़ायदा ही है, उसके लिए बेटर ये वूंड हीलिंग के लिए। ये है रामबाण सॉल्यूशन हाईमैक्स, हाईमैक्स का लोशन भी आता है और हाईमैक्स की क्रीम भी आती है। मैंने लोशन अभी वीडियो में यहाँ रखा नहीं है टेबल पे, बट क्रीम है मेरे पास यहाँ अवेलेबल, तो आप ये क्रीम यूज़ कीजिए। ये आप इसकी स्किन प्रॉब्लम पे यूज़ कर सकते हैं, एंटीबायोटिक है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंड उसको स्किन प्रॉब्लम हो, रैश हो, खुजली हो, इचिंग हो, आप ये किसी चीज़ पर, मतलब दिस इज़ हेल्पफुल। उसके मान लीजिए स्टिचेस लग गए हैं, स्टिचेस खुल गए हैं, बहुत गहरा जख्म है, फॉर एनीथिंग, फॉर मैगट्स ऑल्सो ऑफ कोर्स। इट इज़ अ वाइड रेंज स्पेक्ट्रम क्रीम, और इसका लोशन भी आता है, तो अच्छा है, सस्ता है, टिकाऊ है। इसी का टक्कर देने वाला एक और प्रोडक्ट है जो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, दैट इज़ सावा वेट डब्ल्यू शील्ड। ये है नेचुरल रेमेडीज़ का भी आता है हाईमैक्स,
और इंडियन हर्ब्स का भी आता है, और दूसरा जो मैं आपको बता रही हूँ वो है सावा वेट डब्ल्यू शील्ड, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। अब हम कवर कर रहे हैं पेन किलर्स। ये पेन किलर है, आई डोंट नो आपको दिखाई दिख रहा है, हेम्परीन हिमालय का, अगेन देसी है। और एलोपैथिक में जाऊँ तो मेलोक्सिकैम सॉल्ट है सावावेट का। मेलोक्सिकैम आपको हो सकता है सावावेट का ब्रांड के नाम में ना मिले, बट द सॉल्ट इज मेलोक्सिकैम। इसी की यू नो टैबलेट्स भी आती हैं, गोलियाँ भी आती हैं। जस्ट शो यू, ये देखिए मेलोक्सिकैम टैबलेट्स, ठीक है। इनकी जस्ट पोटेंसी में फ़र्क है, जैसे ये 1.5 है, ये 15 है, ऐसी 2.5, 7.5 एंड 5 mg में अवेलेबल होती है ये। तो एज़ पर द स्पीशीज़ आप जो ट्रीट कर रहे हैं, घोड़ा है, हाथी है, यू नो डॉग है, कैट है, काउ है, तो स्पीशीज़ के हिसाब से डोसेज का फ़र्क रहता है। तो आप सॉल्ट देखिए हमेशा, कंपनी ब्रांड का नाम कुछ भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरर कोई भी, बट यू शुड सी द सॉल्ट, जेनरिक सॉल्ट का नाम देखिए। और ये हेम्परिन भी अच्छी है फॉर पेन किलर्स, फॉर सर्जरी के बाद, पोस्ट ऑप केयर में, दिस इज़ वेरी गुड। ये भी ओरल है, दिस इज़ ऑल्सो ओरल। इसका इंजेक्शन भी आता है मेलोक्सिकैम का फॉर एक्सटर्नल यूज़, बट ये अभी मैंने आपको सारा ओरल दिखाया है, ठीक है। एक और पेन किलर आता है, दिस एंजोमेक, एंजोमेक, आई शो यू एंजोमेक। दिस इज ऑल्सो फॉर पेन, बट आप वेट से रिकमेंडेशन लेके, डिपेंडिंग की आपके एनिमल को क्या यू नो सिम्टम है, उस हिसाब से आप उसको ऐसी दवाइयाँ लीजिए। और ये है अगेन रामबाण एंटीबायोटिक, इसमें है अमोक्सिलिन और पोटाशियम क्लैबिनेट। इसी का दूसरा आता है यू नो भाई बहन ऑगमेंटिन 625 या 325। ऑगमेंटिन में क्या होता है, सिर्फ अमोक्सिलिन होता है, और ऐसी आता है सिप्लॉक्स या मॉक्स ऐसे आते हैं, इन सब में एक ही चीज़ कॉमन है, विच इज़ अमोक्सिलिन। अमोक्सिलिन के साथ आप पोटाशियम क्लैबिनेट भी दें, दिस हेल्प्स टू हील द वुंड एट अ फास्टर पेस। तो आप ये वाली दवाई ज़रूर रखें, मतलब ऑगमेंटिन या अमोक्सिलिन में, इनमें जो एक चीज़ कॉमन है वो अमोक्सिलिन है, और एक्स्ट्रा जो है वो पोटाशियम क्लैबिनेट है, विच इज़ गुड, ठीक है। और ये है आइवरमेक्टिन। अब ये कॉन्ट्रोवर्शियल ड्रग है, मैजिक ड्रग है। आइवरमेक्टिन ह्यूमंस में यूज़ होता है 12 mg में, और डॉग्स में, कैट्स में 10 mg की टैबलेट आती है नियोमेक के नाम से। ये कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर डॉग में, लैक्टेटिंग मदर डॉग में, पपीज़ में, और इट कैन इवन लीड टू ब्लाइंडनेस और एनी काइंड ऑफ साइड इफ़ेक्ट, और यू नो ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इवन इन ह्यूमंस। तो वैसे तो ये मैजिक ड्रग है, आप मैगेट्स के ऊपर डाल भी सकते हैं पीस के, इसका सोल्यूशन भी आता है आइवरमेक्टिन का हाईटेक के नाम से, और अदरवाइज़ आप इसको खिला भी सकते हैं। इसकी डोसेज का ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपको फिर बताया, ह्यूमन में ये आपके डॉक्टर्स अभी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कोरोना की उसमें रोकथाम में, मतलब आपको डॉक्टर जैसे 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन की जो डोसेज लिखते हैं क्वारंटाइन पीरियड में, उसमें आइवरमेक्टिन भी डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं, जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। सो दिस इज़ अ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। तो दिस इज़ अ किट जो आपको फर्स्ट एड में हमेशा रेडी रखनी चाहिए। मैं क्या करती हूँ, इन सब का थोड़ा थोड़ा चीज़ें अपने किट में रख लेती हूँ, और वो किट मैं डेली जैसे मेरी अगर यूज़ होती है तो आई कीप रिन्यूइंग इट, आई कीप फिलिंग इट। इसके अलावा एक होता है प्रेडनिसोलोन या वाइसोलोन 10 या 20 mg या 5 mg। दिस इज़ अ स्टेरॉयड, जैसे ओमनोकोटल के नाम से भी आता है ये। इट इज़ अ स्टेरॉयड टू इंक्रीज द पोटेंसी ऑफ द ड्रग इवन इन ह्यूमंस एंड इन एनिमल्स। तो ये भी 2 या 3 दिन के बाद आपको ज़्यादा नहीं देनी है, डिसकंटिन्यू कर देनी है।
तो प्रिस्क्रिप्शन लें डॉक्टर से, वेट से रिकमेंडेशन लें, कंसल्ट करके दें. और एंटीबायोटिक ऑगमेंटिन और अमॉक्सिलिन पोटेशियम क्लाविनेट के अलावा दो और है, मोनोसेफ एंड लिंजोलिड. बट अगेन उन सबका पर्पस अलग अलग है एंटीबायोटिक्स का. तो आप एज पर द प्रॉब्लम ऑफ द एनिमल ऑफ द डॉग ऑफ द कैट एंड एज पर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द वेट आप चलें. ये है मोबिजॉक्स विच इज़ पेन किलर विच हैज़ पैरासीटामोल. बट डॉग्स एंड कैट्स को पैरासीटामोल नहीं देना चाहिए, उनके लिए दूसरे सॉल्स अवेलेबल होते हैं. जैसे मैंने आपको हेम्प्रिन बताया, मेलॉक्सिकैम बताया. मेलॉक्सिकैम भी 5 दिन के ऊपर आपको नहीं देना है. डोसेज भी 2.5 या 5 एज पर यू नो वेट. एंड पैरासीटामोल कोशिश कीजिए आप अवॉइड कीजिए, ना दें. देना है तो पूछ के दीजिए प्रिस्क्रिप्शन लेके. और जो मैं कवर कर रही हूँ वो है एसिडिटी के लिए या वॉमिटिंग के लिए आप पेंटोसिट डी या DSR यूज़ करें. बेसिकली सॉल्ट है पेंटोसिट में, वो है पेंट्रोपोजेल सोडियम, डोम्पिरिडो एंड मेलिएट. तो ये जो DSR पेंटोसिट DSR जो है, जो तीनों इसमें DSNR जो सॉल्ट्स हैं, ये आप किसी भी ब्रांड का भी देख सकते हैं. दिस इज़ गुड फॉर एसिडिटी एंड फॉर वॉमिटिंग. कई बार ये लोग खुद अपना डिवॉर्मिंग भी कर लेते हैं थ्रू घास खा के, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल. या आप ये खिला सकते हैं पेंटोसिट डी. अब हम अगले पे चलते हैं डिवॉर्मिंग की तरफ. डिवॉर्मिंग के लिए ये दो है टैबलेट्स, एक ड्रोंटल है ड्रोंटल प्लस और एक है सावावेट की वॉफ प्लस. एंड इसकी पोटेंसी थोड़ी कम है, इसकी पोटेंसी थोड़ी ज़्यादा है. ऑब्वियसली फिर कॉस्टिंग का फ़र्क है, ये 1000-1200 की पड़ती है, ये 1600-1700 की पड़ती है. आप ये दीजिए स्ट्रीट डॉग्स को दीजिए, आप अपने पेट्स को दीजिए. डिवॉर्मिंग हर 3 से 4 महीने में कीजिए, अदरवाइज जो टेप वॉर्म है रिंग वॉर्म है उससे उनका स्किन ख़राब हो जाएगा, फर ख़राब हो जाएगा, उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, वो उनका यू नो खून चूसते रह सकते हैं, उनको इरिटेटिंग हो सकता है उनके एनस वाले एरिया में, यू नो जो उनका पॉटी वाला एरिया है उस एरिया में उनको प्रॉब्लम हो सकता है. आपको लगता है इतना एक्सपेंसिव है आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो ह्यूमंस में हम देते हैं एल्बेंडाजोल, बेंडी प्लस के नाम से आता है. वो नहीं देते हैं एनिमल्स को, तो आप मेबेंडाजोल ट्राई कर सकते हैं. जस्ट शो यू मेबेक्स, मेबेंडाजोल, या जो उसमें मैंने आपको दिखाया था पैरेंटल परमिएट, ये अलग से भी टैबलेट आती है 10 रुपए की, ये रही निमोसिड के नाम से, तब वो भी दे सकते हैं. तो ये दे दीजिए 2 दिन और 2 दिन ये दे दीजिए, एक साथ नहीं देनी है. और इसके साथ मेबेंडाजोल के साथ आप आइवोमेक्टिन भी दे सकते हैं. आइवोमेक्टिन भी डिवॉर्मिंग में हेल्प कर सकती है, पर अगेन डोसेज का आपको ध्यान रखना है. डोसेज एक्सीड नहीं करना है किसी भी दवाई का. इट इज़ नॉट अ एक्सपेरिमेंट दैट यू आर डूइंग एंड डू नॉट प्ले विद एनीवनस लाइफ. एक तो चीज़ और कवर कर लेते हैं इसी वीडियो में. एक तो ये है ईयर ड्रॉप्स, जो एंटीबायोटिक है, एंटीफंगल है, एंटीबैक्टीरियल है. कोई प्रॉब्लम हो आप ये वाली ये ईयर ड्रॉप्स यूज़ कीजिए साइंटिफिक रेमेडीज़ की. दिस इज़ गुड, चीप एंड वेरी इफेक्टिव. मेन बात है कि इफेक्टिव है. तो 1 से 2 दिन में आपको उसका रिजल्ट दिख जाएगा एकदम तुरंत. आजकल लोग क्लियर यू नो ईयर क्लीनिंग सोल्यूशंस वगैरह यूज़ करते हैं और उसमें क्या करते हैं, उंगली डालने के चक्कर में डॉग की या कैट की कान में खुद ही डालते हैं और उसको कान फोड़ सकते हैं. तो डोंट डू ऑल दिस, जस्ट पुट दिस आई ड्रॉप. अदरवाइज आपको अगर उसका ईयर भी क्लीन कराना है तो आप प्लीज़ वेट से कराएं या पेट शॉप से कराएं, ग्रूमिंग पार्लर से कराएं. दो और चीज़ें मैं कवर कर रही हूँ इसी में, ये ऑर्थोरॉन और ये नेट लाइफ. ये आप उस डॉग को दे सकते हैं नेट लाइफ, यू नो सिरिंज के फॉर्म में. ये लगाना नहीं है, ये मुँह खोल ये यहाँ से खोल के उसको खिलाना है. उसको उसके दांत में डाल दीजिए. अब कैसे डालना है ये मैंने दूसरी वीडियो में अपलोड किया है और मेरा मॉडल यहाँ से भाग गया है चीकू, तो आई कैन नॉट शो यू राइट नाउ, बट आई हैव अपलोडेड इन द अनदर वीडियो.
और तो ये डालते हैं उसको जो जो जिसकी तबीयत ख़राब है, जो वॉमिटिंग कर रहा है, जो थोड़ा ढीला ढीला है, बुखार है, कमज़ोर है, उसको खिलाइए ये। और ऑर्थोरोन खिलाते हैं हम जिसके जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, हिप्स में प्रॉब्लम है, हिप्स डिसलेक्सिया है, उसके लिए ऑर्थोरोन होती है रिलेटेड टू यू नो बोन एंड हिप एंड जॉइंट। दो चीज़ें और कवर हम कर लेते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास पट्टी होनी चाहिए फर्स्ट एड में, थोड़ी सी कॉटन, थोड़ी सी गौज, और ये जो पट्टी है, एक मेरे पास पतली पट्टी है और एक थोड़ी सी चौड़ी पट्टी है। तो डिपेंडिंग कि किस एरिया में कितना चोट लगा है, यू विल रिक्वायर दिस। आप इसके अलावा एक थोड़ा सा पुराना कपड़ा भी रख सकते हैं जिसको आपको लपेटने में काम आएगा। एक निगासन पाउडर है, एक सिप्लाडाइन पाउडर है, और सिप्लाडाइन की क्रीम और लिक्विड भी आता है जिसको हम बेटाडाइन के नाम से भी जानते हैं, बेटाडाइन क्रीम या यह सोल्यूशन। और ये नेगासन पाउडर या ऐसी एक गॉट बैक पाउडर भी आता है। ये सारे पाउडर भी अगेन फॉर मैगेट्स, फॉर वुंड के लिए है। और आपके पास जो होना चाहिए वो है, जैसे आप ये स्प्रे करते हैं तो स्प्रे के आगे मान लो आपको एरिया कॉन्सेंट्रेट करना है, तो इसके आगे आप ऐसे ये नोजल लगा सकते हैं, ये ना ये ऐसे ये पाइप लगा सकते हैं। आपके किट में जो और होना चाहिए वो है सीजर, जो मैंने आपको बताया, ट्विजर्स जो आपके यू नो आईब्रो निकालने में भी काम आता है, या ये इलेक्ट्रिशियन लोग वगैरह भी यूज़ करते हैं यू नो पेज को यू करने में, तो ये 70-80 रुपये का शायद आता है, आप यूज़ कर सकते हैं। और एक आध मैंने किट रखी हुई है बट आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू यूज़ इट, ऐसे नेल कटर है, ये नेल कटर्स हैं, बट यू शुड नॉट यूज़ इट अनलेस यू नो हाउ टू कट नेल्स। क्योंकि जैसे हमारे देखिए ये नाखून है, और मेरे तो नाखून बहुत छोटे रहते हैं, तो हम जैसे अपने नाखून भी काटते तो हमारे ब्लड आने के चांसेस होते हैं, ऐसे ही इनका भी ब्लड आ सकता है, इनकी भी आगे यू नो ब्लड की नर्व्स होती हैं। तो आप प्लीज़ अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है नेल्स काटने का तो आप मत काटिए, आप किसी से कटवाइए, वो मुश्किल से वो 100-200 रुपये लेगा, आप उनसे कटवाइए, डोंट डू एक्सपेरिमेंट्स। आई थिंक मैंने मोटी मोटी सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। शैम्पूज और ऑयल्स भी मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, आप देख सकते हैं वो। और मेंस के लिए आती है ब्राविक्टो या सिम्पैरिका, आप वो दीजिए अगर आपके डॉगी को मेंज है तो। मेंज भी 2-3 टाइप का रहता है जिसमें उनकी स्किन हार्ड हो जाती है, स्किन पे यू नो पैचेस हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, तो वहाँ तक कंडीशन पोस्ट में बहुत टाइम लगता है। आप उससे पहले ही सिम्टम्स देखिए, कोशिश कीजिए हाइमेक्स लगाइए और वो ठीक हो जाए, और चीज़ें अगर ऑब्वियसली बढ़ जाती है तो फिर यू आपको मेंज की दवाई देनी पड़ेगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप उनको टाइम टू टाइम यू नो एंटीबायोटिक दें, डिवॉर्मिंग दें, ताकि उनका फर भी ठीक रहे, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहे। टिक्स फ्लीज को उनको चेक करते रहिए, टिक्स फ्लीज के मैंने अलग वीडियो कवर करी है जहाँ हमने सजेस्ट किया है आपको हिमालय का अरीना वाला पाउडर, या हमने DE पाउडर भी आपको सजेस्ट किया है, और फ्रीडम स्प्रे वगैरह भी हमने आपको सजेस्ट किया है, तो आप वो चीज़ें देख सकते हैं। एंड कोई आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ आगे आइए, अपने आसपास के जानवरों के प्रति संवेदनशील बनिए, उनको खाना दीजिए, और खाना देने के अलावा आप उनको उनको स्टेरलाइज कराइए, नसबंदी कराइए, ये ज़रूरी है क्योंकि हर कोई अडॉप्ट नहीं करता है बेघर बेसहारा जानवरों को। तो इनकी अगर इस दुनिया में वो आएंगे नहीं तो ना तो सुख भोग पाएंगे और ना ही उनको दुख की प्राप्ति होएगी, तो दोनों ही चीज़ों को बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम उनको स्टेरलाइज कराएँ। गाड़ियों के नीचे आके जब वो मरते हैं तो माँ भी बहुत परेशान होती है, और माँ ने अपनी बॉडी से उनको निकाला तो वो बॉडी की पीड़ा भी उसकी मतलब यू नो वेस्ट में जा रही है, और जो उसको जो पीड़ा हुई वो जो हुई सो अलग। तो ज़रूरी है कि हम उनको स्टेरलाइज कराएं और जानवरों को बचाएं, सिर्फ खाना ना खिलाएं। अपना आई कार्ड आप अप्लाई करें, आई कार्ड के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप चाहें तो जो मैंने किट बनाई है फर्स्ट एड किट की, आप इसको स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप हमें डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि मोर देन 65 टू 85 डॉग्स का हम ध्यान रखते हैं,
कुछ कैट्स भी हैं, कुछ बंदर भी हैं, और कुछ काउस भी हैं, और कुछ बर्ड्स भी हैं. तो अगर आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा तो ये चीज़ और अच्छे से हो पाएगी, बेहतर हो पाएगी. वाटर बाउल्स हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, आप वो स्पॉन्सर कर सकते हैं. आप किसी डॉग का ट्रीटमेंट कर सकते हैं. अभी हमने कुछ डॉग्स रेस्क्यू किए जिनको डिस्टेम्पर है, जिनको कैनाइन डिस्टेम्पर है, किसी को कैनल कफ है, पार्वो है, पार्वो वायरस है. कीमोथेरेपी चल रही है हमारे यहाँ कुछ पेशेंट्स की, उनको उनको वेजाइनल ट्यूमर है, कैंसर है. तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो आप इन चीज़ों को स्पॉन्सर करें या डोनेट करें. एंड थैंक यू. और अपने एरिया में, अपने घर के बाहर भी इससे शुरुआत करें, वहाँ के जानवर का भी आप ध्यान रखें. थैंक यू.